अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अर्शिया निखर आपका साइंस के 8th स्टैंडर्ड के साइंस के तमाम बच्चों का साइंस की क्लास में खैर मकदम करती हूँ। आज हमारा सेकेंड वीक शुरू हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, और सेकेंड वीक का आज हमारा पहला लेक्चर है। जैसा कि आप तमाम बच्चे जानते हैं कि हमने पिछले वीक हमारा पहला चैप्टर जो है वीडियोज़ के थ्रू समझने की कोशिश की, और उस पर मबनी एक्सरसाइज को भी हमने मुकम्मल किया, और आप तमाम ने उसको अपनी कॉपियों में नोट कर लिया होगा। जिन बच्चों ने भी उसको नोट नहीं किया है या लिखा नहीं है, वो तमाम लड़के और लड़कियां अपने अपनी कॉपियों को मुकम्मल कर सकते हैं। और आज बारी है हमारे सिलेबस के नए चैप्टर की, जो है सेकेंड चैप्टर हम जो के शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारे सेकेंड चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस, सेहत और अमराज। बच्चों, इस फर्स्ट लेक्चर में हम कौन कौन से नुकात या कौन कौन सी बातों को पढ़ने वाले हैं, क्या अहम नुकात या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, सेहत की अहमियत। सेकेंड पॉइंट इज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, सेहत की तारीफ और उसका मफहूम। थर्ड पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ डिसीज़, मर्ज की तारीफ। और फोर्थ पॉइंट है टाइप्स ऑफ डिसीज़, अमराज की अकसाम। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इन आवर लाइफ? वी ऑल नो दैट हेल्थ इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। सेहत हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम पहलू है। हम कई महावरे हमारी ज़िंदगी में सुनते और बोलते आए हैं, कई दफ़ा बोलते हैं कि सेहत जान है तो जहान है, सेहत बड़ी नेमत है, सेहत बड़ी दौलत है, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें हमें ये जाहिर करती हैं कि हमारी ज़िंदगी में सेहत क्या मानी रखती है। कहा जाता है कि एक हेल्दी समाज, एक जो है सेहतमंद समाज तरक्की कर सकता है। तरक्की करने वाले अगर किसी समाज के तमाम अफराद सेहतमंद हो तो वो एक सेहतमंद समाज तैयार कर सकता है। इसीलिए समाज का और उस समाज में रहने वाले लोगों का सेहतमंद होना तरक्की करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम सारी दुनिया के हालात को अगर देखें तो आज हमारी दुनिया एक बहुत ही नाजुक दौर से गुज़र रही है, क्योंकि एक नए किस्म के वायरस ने हमारे वर्ल्ड में एंट्री किया है। आप तमाम बच्चा इस वर्ड से जो कि बीमारियों के ताल्लुक से जानता भी नहीं था, आज वो बच्चा जानता है। सब कहते क्यों हम घर में हैं, हम घर में कैद है, ये ऑनलाइन क्लासेस लेने की हमारे आज जो है ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्यों? क्योंकि एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है हमारी दुनिया में। क्यों की गई है? क्योंकि एक नया वायरस COVID-19 जो है ने हमारी दुनिया में कदम रखा है। वो जो है तमाम दूसरे वायरसेस के मुकाबले में थोड़ा सा नया रहने की वजह से उसके बारे में तमाम दुनिया के डॉक्टर्स को मालूम नहीं है, उसका कोई अभी तक इलाज जो है हम दुनिया ढूंढ नहीं पाई है, उसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है, जिसकी वजह से सारी दुनिया एक खौफ के माहौल में जीने को और घरों में बंद होकर जीने को मजबूर हो गई है। बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा रहा है, तो ये तमाम बातें सेहत की अहमियत को ही जाहिर करती है बच्चों, है ना, कि जान है तो जहान है, यानी सब कारोबार बंद, स्कूल बंद, एग्ज़ाम्स बंद, सब बंद, लेकिन हमारी जान को बचाना है, हमको घर में बैठकर अपने आप की हिफाजत करनी है। लेकिन हम जो है तरक्की करना तो नहीं छोड़ सकते, दुनिया में जीना तो नहीं छोड़ सकते, सब कुछ चलता रहता है। आज अल्लाह ताला ने हमारे पास कई वसाइल जो है हमको दिए हैं, और उसी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हम जो है आप तक इस सबक को लेकर पहुंचेंगे। और इंशाल्लाह इसी सबक के ज़रिए से आज मौका हमको मिला है कि हम इस बीमारी के माहौल में सेहत और डिसीजेस को एक नए नज़रिए के साथ समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बच्चों, सबसे पहला हमारा पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? व्हाट इज हेल्थ? आप तमाम को इन दिनों बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि WHO यानी क्या, WHO क्या है। WHO एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि
तमाम दुनिया के लोगों की सेहत की फ़िक्र करता है, तमाम नई बीमारियों के बारे में, उनकी दवाइयों के बारे में दुनिया को मालूमात देना, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ही तारीफ या डेफिनेशन मैं आगे आपको बयान करके सुनाऊंगी कि वो सेहत के बारे में या उनके एतबार से सेहत क्या है। तो वो कहते हैं, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। यानी अगर मैं उर्दू में बोलना चाहूँ तो सेहत यानी किसी मर्ज में मुब्तला ना होना ही सेहत नहीं है, बल्कि जिस्मानी, दिमागी और सामाजिक तौर पर पूरी तरह चाक चौबंदी की हालत को ही हम सेहत कह सकते हैं या सेहत कहलाती है। तो बच्चों, क्या कहती है ये डेफिनेशन के ज़रिए से हमको क्या पता चलता है हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ यानी सेहत के तीन पहलू हैं। एक है जिस्मानी, दूसरा है दिमागी और तीसरा है सामाजिक। यानी इफ़ एनी पर्सन इज़ लुकिंग हेल्दी फ्रॉम हिज आउटर साइड, दैट डजंट मीन दैट ही और शी इज़ अ हेल्दी पर्सन। देन व्हेन वी कैन से दैट ही और शी और एनी पर्सन इज अ हेल्दी पर्सन, व्हेन द पर्सन इज़ एक्टिव और हेल्दी इन ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ऑल दिस एस्पेक्ट्स शुड बी हेल्दी। देन यानी अगर वो बाहरी या ज़ाहरी तौर पर हमको सेहतमंद नज़र आता है, ऐसे लगता है कि वो एक्टिव है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो परेशान है, बीमार है, या सामाजिक तौर पर वो परेशान है, बीमार है, तब हम उसे सेहतमंद नहीं कह सकते। जो दिमागी तौर पर डिस्टर्ब लोग होते हैं, वो जिस्मानी तौर पर बाहरी ज़ाहिर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, तो इसलिए उनको हम सेहतमंद कहेंगे क्या? नहीं, वो दिमागी तौर पर परेशान है, यानी वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं है। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि सेहतमंद होने का मतलब है जब कोई इंसान जिस्मानी तौर पर भी बीमारियों से पाक है, अंदरूनी तौर पर भी वो जो है साइकोलॉजिकल या दिमागी तौर पर भी वो फिट है, और वो सामाजिक तौर पर भी अगर फिट और खुशहाल है, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो सेहतमंद है। नाउ व्हाट इज़ अ डिसीज और व्हाट डू यू मीन बाय डिसीज, हम अमराज यानी क्या, बीमारी यानी क्या। कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड एज डिसीज। यानी जिस्मानी या नफसियाती तौर पर जिस्म के अहम हयाती अफ़ाल में रुकावट पैदा करने वाली हालत को बीमारी कहते हैं। बीमारी सिर्फ, अभी हमने सेहत के बारे में जैसे कि देखा कि सिर्फ जिस्मानी तौर पर अगर कोई इंसान सेहतमंद है और नफसियाती तौर पर परेशान है, या ऐसी कोई चीज़ है, अंदरूनी चोट है, अंदरूनी तकलीफ़ है जो उसके हयाती अफ़ाल को मुकम्मल होने में रोक रही है, ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि वो जो है बीमार है। कहीं पर किसी जगह पर आपको चोट लगी है, मार लगा है, और वो जगह, वो जो है आपका जैसे कोई हाथ है, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, आपका हाथ बराबर से काम नहीं कर रहा, पैर में चोट आ गई है, फ्रैक्चर आ गया है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, आपके जो तमाम काम है आपको सही तरीके से नहीं कर रहे, आपके पेट में इन्फेक्शन है, आपका हाजिमा सही तरीके से नहीं हो रहा है, आपको सर्दी ज़ुकाम है, या आपका जो है सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपका बिगड़ा हुआ, यानी आपके जो लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है ना, या डाइजेशन और अदर थिंग्स, ये जो तमाम हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, अगर वो किसी वजह से डिस्टर्ब होते हैं, देन वी कैन से दैट वी आर गोइंग थ्रू अ डिसीज। ओके, नाउ हम जो है बहुत सारे बीमारियों के बारे में, बीमारियों के नाम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया है ना, डाउन सिंड्रोम हो गया, एस्थमा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ऐसी कई बीमारी, यानी फ्लू है, वायरल इन्फेक्शंस है, बुखार है, और टाइफॉइड है, मलेरिया है, ऐसे कई बीमारियों के बारे में आप जानते हैं।
ये तमाम अमराज एक जैसी वजूहात के बिना पर नहीं होते या हर एक को नहीं होते, तो क्यों होते हैं, इनके क्या वजूहात है, इस उनको अगर जानना है तो हमको उनको एक जो है मखसूस कैटेगरी में या दर्जा बंदी उनकी करना ज़रूरी है ताकि हम उनके बारे में अच्छी तरीके से जान सकें। तो आइए अब हम देखते हैं अमराज की किस्में यानी टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस। अब जो है कितने वक्फे के लिए वो बीमारी होती है, किस वजह से वो बीमारी होती है, इसके बिना पर अमराज को या डिसीज़ को मेन दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, दो हिस्सों में। पहली कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यानी मुद्दत के लिहाज से कि वो कितने वक्त के लिए वो बीमारी होती है। सेकेंडली अकॉर्डिंग टू द रीजन्स यानी वजूहात के लिहाज से, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस डिसीजेस, उसके पीछे क्या वजूहात है, किसकी वजह से, वायरस की वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, फंगस की वजह से हो रही है, या कोई जो है अंदरूनी चोट की वजह से हो रही है, तो रीज़न। तो ये दो चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे पहला जो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यानी मुद्दत के लिहाज से है, उसको मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। इफ़ यानी वो डिसीज अगर बहुत ज़्यादा वक्त के लिए अगर हो रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉनिक डिजीज़ यानी लॉन्ग टर्म यानी जो लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, लाइक डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, है ना, ये सब अगर एक बार हो जाए, ब्लड प्रेशर, ये अगर हो जाए, हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है, उसकी दवाएं खानी पड़ती है, परहेज़ करना पड़ता है, यानी वो इंसान के साथ लाइफ लॉन्ग रहता है, जल्दी से ख़त्म नहीं होता, तो उसको हम तवील मुद्दती या दायमी अमराज कहते हैं यानी क्रॉनिक डिसीजेज। और द डिसीजेज विच ऑकअप अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्यूट डिसीजेस। एक्यूट यानी शदीद अमराज या खलील मुद्दती अमराज, कम वक्त के लिए, जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है तो तीन दिन में कम हो जाता है दवा वगैरह खाने से, सर्दी मतलब या मौसमी सर्दी वगैरह होती है, बुखार आता है, या टाइफॉइड है, मलेरिया, ये सब बीमारियाँ एक चार पाँच आठ दस दिन में ख़त्म हो जाती हैं, तो इनको हम एक्यूट डिसीजेस या शदीद अमराज या खलील मुद्दती अमराज कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू रीज़न, वजूहात की बिना पर जो बीमारियाँ होती हैं उनको जो है वजह की बिना पर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। दैट इज़ नंबर वन इज़ हेरिडेटरी डिसीजेस, जिनको हम विरासत में मिलने वाली बीमारियाँ, यानी अगर हमारे पुरखों में से बाप दादा चाचा नाना नानी, ये जो खूनी रिश्ते होते हैं, उनमें से अगर किसी को कोई बीमारी है और वो बीमारी हमको जेनेटिकली ट्रांसफ़र हमारे अंदर होती है, तो उस टाइप की डिसीज़ को हेरिडेटरी या विरासत में मिलने वाली बीमारी या विरासती बीमारी कहते हैं। और जो बीमारी हम अपने माहौल से हासिल करते हैं, यानी वो हमको विरासत में तो नहीं मिली, लेकिन किसी वजह से, यानी हमारे अंदर वायरस चले गए, बैक्टीरिया चले गए, या एक्सीडेंट हो गया, या कोई और वजह से हम बीमार पड़ते हैं, तो वो एक्वायर्ड, हमने हमारे माहौल से उस बीमारी को हासिल किया, इक्तसाबी अमराज या एक्वायर्ड डिजीज़ उसको हम कहते हैं। समझ में आई बात। अब जो एक्वायर्ड डिजीज़ है वो दो तरीके के होते हैं, यानी हम जो हासिल करते हैं, एक तो होता है उसमें इन्फेक्शियस डिजीज़, मुतादी अमराज, यानी जो कि हम छूत छात की बीमारी या दूसरों से हासिल होने वाली बीमारी जिसको हम कहते हैं, और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस यानी जिसको यानी छूने से या साथ रहने से वो बीमारी नहीं फैलती, गैर मुतादी बीमारी लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ एक्सेट्रा, यानी वो खुद से हमारे अंदर पैदा होती है। तो बच्चों आज हमने जो है तीन से चार पॉइंट्स हमारे जो है हमने रिवाइज्ड किए, सेहत की अहमियत को हमने समझा, सेहत की तारीफ़ को समझा, मर्ज़ की तारीफ़ को समझा, और अमराज की अकसाम को भी हमने समझा। तो मैं उम्मीद है कि आप तमाम को ये जो है समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मुख्तलिफ इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस कौन कौन से हैं, किस तरीके से फैलते हैं, उनके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी किताब निकाल कर ये तमाम पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज्ड कर लें, समझ लें, और उस पर अगर कोई जो है किताब में एक्टिविटीज़ दी हुई है या आप इंटरनेट वगैरह से कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अल्लाह हाफिज़।